नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आर्यवर्त टीवी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें 2 नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज तथा 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। दोस्तों, बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की तो इसके 4 अंग हैं। पहला सेक्रेटरी जनरल, दूसरा न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप, तीसरा मिलिट्री कमेटी, चौथा सबऑर्डिनेट कमेटी। दोस्तों, इसका बनाने का उद्देश्य है अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीतिक तथा सैन्य माध्यमों से रक्षा करना तथा यूरोप के अंदर शांति कायम रखना है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपने कब्जाग्रस्त इलाकों को एक इकोनॉमिकल ट्राइजोनिया में बदल दिया, ताकि इस एरिया को मार्शल प्लानिंग की सहायता से मजबूत बनाकर कम्युनिज्म के प्रहार से बचा जा सके। इस योजना के कारण सोवियत संघ नाराज हो गया और उसने अपने कब्जा वाले इलाकों में अपनी करेंसी चालू कर दी और 23 जून 1948 को बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इससे वेस्टर्न यूरोपियंस कंट्रीज को कम्युनिज्म के एक्सपेंशन का डर सताने लगा। स्लोवाकिया में कम्युनिज्म द्वारा सत्ता परिवर्तन और बर्लिन नाकेबंदी ने इन देशों को आतंकित कर दिया, जिसमें मार्च 1947 में डर्किंग की संधि हुई। थोड़े समय बाद इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग भी शामिल हो गए और तभी इसका नाम ब्रुसेल्स संधि हो गया। यह एक 50 वर्षीय संधि थी, जिसका मकसद इन 5 देशों को सोवियत यूनियन के आक्रमण से बचाना था। यही संधि बाद में 4 अप्रैल 1949 को नाटो में बदल गई। इसमें 7 नए देश शामिल हुए, जिनमें यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, पुर्तगाल आदि थे। यानी इसके बनने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को रोकना। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद को फिर से बढ़ने से रोकना। तीसरा, राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। इन कारणों के कारण ही 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में यह संधि हुई। इस ट्रीटी के उद्देश्य के बारे में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने कहा था कि इसका निर्माण एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और आर्थिक सहयोग बनाए रखने तथा किसी भी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने के लिए किया गया है। इसके चार्टर में 14 प्रावधानों को तय किया गया है, जिसमें आर्टिकल 5 प्रमुख है, जिसमें कहा गया है अगर किसी भी नाटो देश के ऊपर कोई हमला होता है तो यह उन सभी नाटो देशों के खिलाफ माना जाएगा और वह इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आर्टिकल 5 को नाटो के जन्म से अब तक सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है, जब अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हुआ। नाटो के विरोध स्वरूप सोवियत यूनियन ने 1955 में वारसो पैक्ट की स्थापना की, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया, जो कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद ही खत्म हुआ। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान नाटो ने कोई सैन्य अभियान नहीं चलाया। कोल्ड वॉर के तुरंत बाद ही पहला ऑपरेशन 1990-1991 में कुवैत पर इराक के आक्रमण के दौरान हुआ। इसके बाद बोस्निया युद्ध 1992 में, इसके बाद 1999 में कोसोवो इंटरवेंशन, ऐसे ही 2001 में अफगान वॉर, जिसमें पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 2003 में इराक वॉर, 2011 में लीबिया में मिलिट्री इंटरवेंशन। दोस्तों, नाटो पर विस्तारवाद के भी आरोप लग चुके हैं। नाटो की स्थापना के समय 12 देश थे, जिनमें यूएसए, यूके, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, इटली जैसे देश शामिल थे। 1952 में ग्रीस, टर्की भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद वेस्ट जर्मनी 1955 में शामिल हुआ, 1982 में स्पेन शामिल हुआ, 1999 और 2004 के बीच 7 नए देश शामिल हुए, 2010 में मोंटेग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया को भी शामिल किया गया। 1990 में अमेरिका ने रूस को आश्वस्त किया था कि वह नाटो की सेना द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार पूर्व की ओर नहीं करेगा, लेकिन इन सब के बावजूद नाटो में 13 नए देश शामिल हुए, जिनमें अधिकतर यूएसएसआर के पहले मेंबर रह चुके थे। 2008 में बुखारेस्ट सम्मेलन में इसमें जॉर्जिया तथा यूक्रेन को शामिल करने के लिए भी कहा गया। इन सभी वजहों ने रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी, जिस वजह से उसने पहले 2008 में जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसी कड़ी में उसने 2004 में यूक्रेन के बड़े हिस्से क्रीमिया पर भी कब्जा किया तथा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।